55th क्वेश्चन देखेंगे. ए रेन ड्रॉप ऑफ मास 0.2 ग्राम इज फॉलिंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड. इट्स वेट विल बी. बेटे देखो, हमारे पास एक ड्रॉप है और उसका मास हमको कितना दिया हुआ है. द मास इज गिवन टू अस एज 0.2 ग्राम और इट इज फॉलिंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो बेटा इट्स वेट विल बी, तो देखो जी कितना है, जी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो उसने हमसे वेट के बारे में पूछा है. तो देखो बेटे, वेट जो है, वेट तो चेंज होगा ही नहीं, वेट विल बी इक्वल टू एम इंटू जी. तो मास कितना है बेटे, 0.2. अच्छा, किलोग्राम में करना है इसको, तो डिवाइड कर दो किससे, 1000 से. इंटू जी इज 10, ये कितना हो गया, ये कैंसिल हो गया बेटे. तो ये हुआ 2 अपॉन क्या चीज, 1000. सो दिस इज 2 अपॉन 1000. अब आंसर मैच कीजिए. 2 अपॉन 1000 का मतलब है बेटे 0.002 न्यूटन. सो ये आंसर बनता है सी पार्ट. आंसर इज सी पार्ट. नेक्स्ट बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन 56th क्वेश्चन देखेंगे. ए कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 5 kg changes its speed from 3 to 4.5 meter per second in 15 seconds. If the direction of motion of the body remains unchanged, then the force acting on the body is. So, देखो बेटे, body पे force लग रही है और वो क्या करती है, उसकी speed को 3 से लेके 4.5 meter per second तक change करती है. कितने time में, 15 seconds में. So, we want to find out the direction of motion of the body remains unchanged, then the force acting on the body will be. तो देखो बेटे, force क्या हो जाएगी, F is equal to M into V minus U upon T. So that is equal to 15. Mass कितना बेटे, 5. अच्छा, speed कितनी है, speed कितने किस तक change हो रही है, final है 4.5, initial है 3. Time कितना लग रहा है बेटे, 15 seconds. तो 5 into ये कितना हो गया, 1.5 upon 15. तो ये बेटे इसको लिख दिया ये, तो ये हो गया 5 upon 10, that is 0.5. So force कितनी होगी बेटे, 0.5 न्यूटन. तो आंसर क्या बनता है, ए पार्ट. आंसर इज ए पार्ट. नेक्स्ट बेटे 57th क्वेश्चन. A force of 10 newton produces an acceleration of 8 meter per second square in a mass m1 and 24 meter per second square in a mass m2. If m1 and m2 are combined together, the same force 10 newton will then produce an acceleration of. So बेटे देखो, 10 newton की force लगी जब किसी mass पे m1 पे, तो उसमें 8 meter per second square की acceleration produce हुई. तो बेटे 10 इज इक्वल टू m1 इनटू 8. अच्छा, सेम 10 मास m2 में कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, 24. तो बेटे ये दो इक्वेशन बन गई हमारे पास. अब क्या हो रहा है, m1 और m2 को दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है. तो अगर m1 और m2 को कंबाइन कर दिया गया और फिर कहता है सेम फोर्स लगाई जाती है, 10 न्यूटन ही लगाई जाती है, तो एक्सेलरेशन पता करनी है, 10 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इनटू बेटे एक्सेलरेशन. 10 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इनटू एक्सेलरेशन. अब देखो m1 कितना हो गया बेटे, ये 10. फर्स्ट इक्वेशन से m1 की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, m2 की वैल्यू भी यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो इस वाली इक्वेशन में, तो यहां से a निकाल लो. तो बेटा देखो, m1 कितना है, 10/8 प्लस 10/24 इंटू एक्सेलरेशन. बेटे 10 थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, 10 थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, 1 इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/24 इंटू एक्सेलरेशन. तो बेटे यहाँ पे देखिए, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 24 इंटू 8 अपॉन 32. 8 4s are 32, acceleration is 6 meter per second square.
एक्सेलरेशन कितनी होगी बेटे 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो आंसर विल बी सी पार्ट, आंसर बिकम्स सी पार्ट. तो 58th क्वेश्चन देखेंगे बेटा. 58th थ्री इक्वल वेट्स ऑफ 3 kg ईच आर हैंगिंग ऑन ए स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली एज शोन इन फिगर. द टेंशन T1 इन द स्ट्रिंग बिटवीन 2 and 3 इज. तो आपने टेंशन 2 and 3 के बीच में निकालनी है बेटे. तो आप देखिए ये किस तरह का सिस्टम दे रखा है, इस तरह का. नाउ ये तीन वेट्स हैं और दे आर हंग बाय दिस पर्टिकुलर पुली. इस पुली से हंग हैं और तीनों का भार 3-3 kg का है. हमने टेंशन कहाँ निकालनी है बेटे, ये वाली टेंशन T1. वी वांट टू फाइंड आउट T1. देखो अब ये T1 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटे, ये 3 किलो, ये 3 किलो, इफेक्टिवली कितना हो गया 6 किलो. ये 6 किलो और ये 3 किलो. तो ये 6 किलो है, ये 3 किलो है. नेट वेट कितना हो गया बेटे, नेट डाउनवर्ड फोर्स कितनी होगी, 3g. 6 - 3, 3 किलो का भारी खींच रहा है इन तीनों को. तो इसका मतलब है ये ऊपर जाएगा बेटे, ये नीचे आएगा. तो 6 - 3, 3g, ये किसको खींच रहा है, 9 किलो के मास को खींच रही है ये पर्टिकुलर फोर्स. दैट इज इन टू एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन कितनी होगी बेटे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g/3. नाउ एक्सेलरेशन बिकम्स g/3. अब देखो ये नीचे जा रहा है बेटे, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के T1 निकाल लेंगे. कैसे, हमें एक्सेलरेशन तो पता लगी गई, इसका भार है 3g और T1 को डोमिनेट कर रहा है क्योंकि नीचे जा रहा है, और इसकी एक्सेलरेशन आपको पता लग गई है g/3. तो 3g - T1 इज इक्वल टू 3 × सो T1 कितना हो गया बेटे, 3g - g, दैट इज इक्वल टू 2g. सो T1 हो गया बेटे 2 × 10, कितना हो गया 20 newton. सो आंसर इज 20 newton. सो ये कितना आ गया बेटे, आंसर इज डी फॉर दिल्ली, आंसर इज डी फॉर दिल्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटे, क्वेश्चन नंबर 59th. टू बॉडीज ऑफ मास 4 kg and 6 kg आर अटैच टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए पुली. द 4 kg मास इज अटैच टू द टेबल टॉप बाई अनदर स्ट्रिंग. द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग T1 इज इक्वल टू. तो देखो बेटे ये किस तरह की सिचुएशन है, ये हमारे पास पुली, इधर 6 किलो का मास लटक रहा है और इधर बेटे 4 किलो और इधर ये धागा इसके साथ बंधा हुआ है. हमने यहाँ टेंशन टी, यहाँ टी, ठीक है बेटे, यहाँ पे ये टेंशन T1 दिखा रहा है. ये T1 हमने निकालनी है, वी वांट टू फाइंड आउट दिस T1. अब ऐसा है बेटे, ये जो सिस्टम है ना, ये स्टेशनरी है, स्टेशनरी चल तो सकता नहीं. दीवार, ये जो जमीन है यही उखड़ जाए तो चल देगा, अदरवाइज तो जमीन पे लगा हुआ है, कहाँ चलेगा ये. तो ये सिस्टम कैसा है, स्टेशनरी. तो बेटा अगर ये सिस्टम स्टेशनरी है तो ये टी निकाल सकते हो आप. टी कैसे निकालोगे, ये कितना है बेटे, 6g नीचे. तो इसका मतलब है टी इज इक्वल टू 6 × g. अब हमने निकाले बेटे T1, तो टी आपको पता लग गया 6g के बराबर है. जी वॉट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब आप इस पे आ जाओ बेटे, इस वाली बॉडी पे, इस बॉडी का एनालिसिस से हम T1 निकाल लेंगे. देखो कैसे, ये बॉडी स्टेशनरी है ना, इसका मतलब नेट फोर्स इस पे बैलेंस कर रही है. इस पे T1 कैसे एक्ट करेगी, ये ऐसे एक्ट करेगी T1. तो आप देखिए जो टी है दैट विल बी इक्वल टू 4g + T1. क्यों, इसका भार भी तो नीचे एक्ट करेगा. तो T = 4g + T1.
So T1 becomes equal to what? कितना आ गया बेटे 20 न्यूटन. यदि जी की वैल्यू आप 10 ले रहे हैं तो आंसर इज 20 न्यूटन, लेकिन जी की वैल्यू 10 बोली नहीं है तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, दिस विल बी टेकन एज 9.8, तो आंसर इज 19.6 न्यूटन. सो आंसर इज ए पार्ट, आंसर बिकम्स ए पार्ट. नेक्स्ट बेटे 60th क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे. ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एज 30. ए बॉडी ऑफ मास 2 केजी इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द प्लेन व्हिच हैज ए लेंथ ऑफ 8 मीटर. द एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन इज. सो बेटे देखो, एक स्मूथ प्लेन है हमारे पास और वो इंक्लिनेशन कितनी है उसकी, 30 डिग्री. और हमने क्या करा, 2 किलो का मास यहां से रिलीज कर दिया. इसकी एक्सेलरेशन पूछी गई है डाउन द प्लेन. बेटे एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन इज वेरी सिंपल. देखो जी की एक्सेलरेशन इसके पास है वर्टिकल डायरेक्शन में. इस जी के दो कंपोनेंट कर सकता हूं मैं, एक ये 30, ये हो गया जी कॉस 30 और दूसरा हो गया बेटे जी साइन 30. जी साइन 30 इज व्हाट, इट इज नथिंग, इट इज जी बाय 2 ओनली. तो उसने हमें जी को 9.8 लेना पड़ेगा, तो 9.8 बाय 2 कितना हो गया, 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे. नेक्स्ट बेटे 61st क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 61. थ्री ब्लॉक्स ए इक्वल टू 12.5 किलो, बी इक्वल टू 2.5 किलो, सी इक्वल टू 5 किलो आर कनेक्टेड बाय द स्ट्रिंग्स एंड सस्पेंडेड बाय वन स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली. जी की वैल्यू 10 लेनी है. तो बेटे हमें, हमसे वो क्या पूछ रहा है इस पर्टिकुलर केस में, ही इज आस्किंग अस वेदर द ब्लॉक, व्हाट टाइप ऑफ मोशन द ब्लॉक्स विल हैव. तो पहले हम क्या करेंगे बेटे, इसमें फिगर बना लेंगे. ये देखो, ये है ब्लॉक ए, इसका भार कितना दे रखा है हमको, 12.5 किलो. अच्छा बेटे इधर ब्लॉक बी लगा लो, इसका भार कितना दे रखा है, 2.5 किलो. और इधर ब्लॉक सी लगा दो बेटे, इसका भार कितना दे रखा है आपको, 5 किलो. तो आपसे पहली चॉइस दे रहा है ब्लॉक ए विल मूव अप विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो ब्लॉक ए को कह रहा है ऊपर चलेगा और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से. बेटे इधर कितना भार है, 7.5 किलो का. इधर कितने का है, 12.5. तो इसने तो नीचे जाना है और नेट फोर्स लगेगी इस पर, तो एक्सेलरेशन होगी. इट कैनॉट मूव विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. तो आंसर ए पार्ट इज रॉन्ग. आंसर बी देखिए बेटे, ब्लॉक सी विल मूव अप विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. बेटे ब्लॉक सी विल नॉट मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट विल मूव अप बट इट विल मूव विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन. तो ये तो गलत है, बी पार्ट भी सही नहीं है. सी पार्ट क्या कह रहा है, ब्लॉक ए विल हैव मोर एक्सेलरेशन देन बी. ब्लॉक ए के पास ज्यादा एक्सेलरेशन होगी क्या बी से, बी सारे सेम एक्सेलरेशन चलेंगे बेटे सारे. तो आंसर हमारे पास डी बचता है. तो डी बिना हम सॉल्व करे कह सकते हैं ब्लॉक बी विल एक्सेलरेट एट 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन तीन होगी, कॉन्स्टेंट होनी है. चाहो तो ये एक्सेलरेशन निकाल सकते हो. नेट फोर्स कितनी होगी बेटे, 12.5 जी माइनस, इधर 7.5 किलो है ना, 7.5 किलो इंटू जी. ये नेट फोर्स हो गई. ये नेट फोर्स कितनों को चला रही है, इन तीनों को चला रही है. तो बेटे 7.5 किलो जमा 12.5 किलो कितना हो गया, ये 7.5 किलो जमा 12.5 किलो 20 हो गया. तो ये कितना हो जाएगा बेटे, 5g/20 आ गया 2.5. सो नेक्स्ट बेटे 62nd क्वेश्चन. इन द अबव प्रॉब्लम द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए, अभी अभी निकाल के हैं बेटे. इसी प्रॉब्लम में एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड.
किसकी, ब्लॉक ए की। एक और प्रॉब्लम इसी के साथ लिंक्ड है बेटे, सेम प्रॉब्लम के साथ, यानी कि 61st क्वेश्चन के साथ 63rd क्वेश्चन भी लिंक्ड है। हाँ जी, तो बेटे 63rd क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये हमको, इन दी अबव प्रॉब्लम दी टेंशन T1 विल बी, टेंशन T1 विल बी, यानी कि ये टेंशन पूछ रहा है। तो ये टेंशन बेटे कैसे निकालोगे, आपको पता है ये नीचे किस एक्सेलरेशन से जा रहा है, 2.5, तो इसका भार कैसे एक्ट करेगा, 12.5 G इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो डोमिनेट करेगा T1 को, तो 12.5 G माइनस T1 यहां से बेटे T1 सॉल्व कर लोगे आप, तो T1 जो सॉल्व करके वैल्यू आएगी वो आती है 93.75 न्यूटन। आप देखिए चारों जो तीन चॉइस है उसने चारों चॉइस दे रखी हैं, उसमें तीन चॉइसों में जो आंसर दे रखा है बेटे 63rd में, दे आर नॉट मैचिंग, तो आंसर विल बी डी फॉर दिल्ली, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट बेटे 64th क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन के साथ लिंक्ड है, इन दी अबव प्रॉब्लम द रिजल्टेंट फोर्स ऑन दी ब्लॉक बी, इस पे रिजल्टेंट फोर्स पूछ रहा है कि क्या होगी। बेटे बहुत सिंपल बात है, आप बेशक ये ऊपर जा रहा है ना 2.5 की एक्सेलरेशन से, और 2.5 किलो का ही है, 2.5 किलो का यह ब्लॉक है और 2.5 की एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो इस पे रिजल्टेंट फोर्स नेट फोर्स क्या होगी, 2.5 × 2.5 6.25 न्यूटन्स। सो आंसर विल बी 6.25, एक मिनट निकाल लो, इस क्वेश्चन को निकाल लो, 64th ही इज आस्किंग यू व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ब्लॉक बी, सो रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ब्लॉक बी, तो इसका फोर्स एनालिसिस देख लो बेटे, इसमें हो जाएगा T1 इज द फोर्स, T2 इज इक्वल टू T1, ये टेंशन तो सेम है, ब्लॉक ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन 2.5, तो T1 माइनस 2.5 G, T1 माइनस 2.5 G माइनस बेटे T3 क्योंकि इस पे ऐसे एक्ट करेगा, और माइनस T3 इज इक्वल टू 2.5 किलोग्राम इंटू 2.5, ठीक है बेटे। तो ये हो गया नेट अप, क्योंकि इस पे अपवर्ड फोर्स डोमिनेट करेगी, तो T1 माइनस इसका वेट, माइनस इसका वेट कैसे एक्ट करेगा 2.5 G ऐसे, माइनस T3 इज इक्वल टू 2.5 × 2.5। अब ये सी ब्लॉक देख लो बेटे, सी ब्लॉक इस पे क्या हो जाएगा, T3 माइनस इसका भार कैसे एक्ट कर रहा है नीचे, T3 माइनस 5 G इज इक्वल टू 5 × 2.5 अब हमें क्या निकालना बेटे, वी विश टू फाइंड आउट द नेट फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर ब्लॉक, इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कितनी एक्ट कर रही है, वी वांट टू फाइंड आउट दिस। सो इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कितनी एक्ट करेगी, दैट विल बी इक्वल टू T1 माइनस 2.5 G माइनस T3। तो यहां से आप क्या करो, T3 सॉल्व कर लो, ठीक है बेटे, T3 की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो इस वाले रिलेशन में, नेट फोर्स इस पे जो एक्ट करेगी T1 माइनस दिस होल वेट, तो ये कितनी हो जाएगी बेटे, दिस विल बी इक्वल टू 6.25 न्यूटन। सो नेट फोर्स एक्टिंग इज 6.25 न्यूटन। सो आंसर क्या हो गया बेटे, आंसर है हमारे पास, वेल आंसर वी आर हैविंग, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, दैट इज 6.25 न्यूटन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट बेटे 65th, ही वांट्स टू फाइंड अस कि ये टेंशन T2 कितनी होगी, ये टेंशन T2 विल बी इक्वल टू T1, जितनी टेंशन T1 है उतनी ही T2 होगी, तो T2 कितना है, हमने पहले ही निकाला था 93.75
So answer is none of these, D for Delhi. Next bit is 66th question. 66 dekhiyega. In the above problem, the tension T3 is. So T3 aap yahan se nikal sakte ho is equation se bete. T3 kaise nikal loge? T3 is equal to 5G plus 5 into 2.5. ये कितना हो गया? 5G हो गया बेटे 50 plus ये हो गया 12.5. ये कितना आ गया बेटे? 62.5 न्यूटन. So answer becomes 62.5 न्यूटन. Answer is A part. Next बेटे 67th question. देखेंगे. Which of the following is self-adjusting? Sliding friction, dynamic friction, static friction, limiting friction. आपको पता है कौन सी friction adjust करती है अपने आप को? Static friction. कोई block rest पे है तो वो उसकी static friction force adjust करती रहती है. तो answer is C part. 68th बेटे. Question number 68 देखेंगे. If block of 10 kg is pulled by a constant speed on a rough horizontal plane by a force 19.6 newton, the coefficient of friction is. तो देखो बेटे क्या कह रहा है कि एक ब्लॉक है हमारे पास, उसका भार कितना है 10 किलो का, और उसको एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं आप उस पे 19.6 न्यूटन. तो ये कैसे चल रहा है? इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. कोई भी चीज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तभी चलती है जब उस पर नेट फोर्स क्या हो जाती है? जीरो. तो नेट फोर्स क्या हो जानी चाहिए? जीरो. इसका मतलब क्या है? 19.6 न्यूटन को कौन बैलेंस करेगा? फ्रिक्शन उसको बैलेंस करेगी. अब बेटा इसका भार है 10 × g, इसका भार है 10 × g, दैट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो इसको रिएक्शन मिल रहा है कितना? 10 × g का. अगर ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो नेट फोर्स जीरो है. इसका मतलब क्या है? जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इसके बराबर ही है. फ्रिक्शन फोर्स यदि इसके बराबर होगी, दोनों फोर्सेस ऑपोजिट होगी, नेट फोर्स जीरो होगी और कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी चीज. तो बेटा देखो 19.6 इज इक्वल टू म्यू इनटू आर. सो 19.6 इज इक्वल टू म्यू टाइम्स आर. आर किसके बराबर है बेटे? 10 × 9.8. सो यहां से म्यू कितना आ गया बेटे? 19.6 ओवर 98. 19.6 ओवर 98. तो ये कितना आ जाता बेटे? आपको ये पता है कि इसका 10 यहां पे ले आता हूं नीचे. 98 × 2 = 196. तो ये आ गया 2/10.2. तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हो गया? 0.2. आंसर इज बी फॉर बॉम्बे. नेक्स्ट बेटे 69th क्वेश्चन. 69th का बी फॉर बॉम्बे. 70th क्वेश्चन बेटे. नेक्स्ट 70th क्वेश्चन. व्हेन ए बॉडी मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी देन लिमिटिंग फ्रिक्शन इज बेटे मोर देन काइनेटिक फ्रिक्शन. लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज मोर देन काइनेटिक फ्रिक्शन. सो 70th का आंसर क्या बन गया? ए पार्ट. अब 71st देखिए बेटे. द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन आर रिलेटेड एज. 71st में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैसे रिलेट होते हैं बेटे? म्यू इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा. ये आपको हमने ड्राइव करा था ये पहले रिलेशन. सो आंसर क्या हो गया? बी फॉर बॉम्बे. नेक्स्ट बेटे 72nd क्वेश्चन. 71st का आंसर बॉम्बे. 72nd क्वेश्चन देखिए. ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg एंड सरफेस एरिया 2 m² जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन व्हेन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 30 degree. तो इसका मतलब क्या आ गया? एंगल ऑफ रिपोज है ये, क्योंकि जब ये प्लेन पे चलने लग पड़ा है तो वो कब सिचुएशन होती है? जब एंगल ऑफ रिपोज अचीव हो जाता है. कीपिंग मास सेम
द सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक इज डबल्ड। तो क्या हुआ, एरिया मास सेम रखा और क्या कर दिया, सरफेस एरिया ब्लॉक का डबल कर दिया। तो क्या हो गया, द एंगल एट विच दिस स्टार्ट्स स्लाइडिंग डाउन इज। तो बेटा देखो, सरफेस एरिया पे फ्रिक्शन डिपेंड ही नहीं करती, सरफेस एरिया पे फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड। तो इसका मतलब क्या है, सेम एंगल पे दोबारा स्लाइड करना शुरू कर देगा, यानी कि 30 डिग्री। आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 73rd क्वेश्चन देखेंगे। ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए यूनिफॉर्म प्लैंक ऑफ वुड स्लाइडिंग ऑन ए बेंच। म्यू कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इज कॉन्स्टेंट। इफ ए सिमिलर प्लैंक इज पुट ऑन द टॉप ऑफ द फर्स्ट प्लैंक द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मूवमेंट इज। देखो बेटे, ऐसा है, एक प्लैंक है, उसका भार दे रखा 20 न्यूटन का आपको। तो मतलब ये इस तरह से प्लैंक है, प्लैंक यूं बना दिया हमने, इसका भार कितना दे रखा, 20 न्यूटन दे रखा। और क्या कह रहा भी कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है यहाँ पे। तो कहता अगर इसको चलाना हो ना आपने, तो फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मूव प्लैंक इज ऑफ मास वेट mg, प्लैंक इज ऑफ वेट mg, और फोर्स कितनी चाहिए, फोर्स चाहिए बेटे 20 न्यूटन इसको चलाने के लिए टू स्टार्ट दी वुड स्लाइडिंग। मतलब 20 न्यूटन फोर्स पे जस्ट स्लाइड करना शुरू कर देगा। तो अगर इसके ऊपर एक और प्लैंक रख दिया जाए तो कहता कितनी फोर्स पे फिर ये जॉइंटली इकट्ठे चल सकते हैं, फिर कितनी फोर्स चाहिएगी। बेटे सिंपल सी बात है, यदि आपने इसके ऊपर एक और ब्लॉक रख दिया है तो व्हाट यू आर इंक्रीजिंग द रिएक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्राउंड। तो पहले बेटे 20 इज इक्वल टू म्यू टाइम्स mg, क्योंकि रिएक्शन पहले mg था। लेकिन अब क्या हुआ, फोर्स हमें पता नहीं कितनी स्लाइड करेगी, लिमिटिंग फोर्स पहले लिमिटिंग फोर्स 20 न्यूटन की थी, अब लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन f मान लेते हैं, दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू 2mg। सो f अपॉन 20 इज 2, तो अब कितना है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड नाउ इज 40 न्यूटन्स। तो अब 40 न्यूटन की फोर्स चाहिए चलाने के लिए। तो आंसर क्या बनता है बेटा इसका, आंसर बिकम्स बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 74th क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 74th क्वेश्चन। ए ब्लॉक ऑफ वेट 100 न्यूटन इज प्लेस्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज 0.2। द स्टैटिक फ्रिक्शन इज। सो बेटे देखो, ब्लॉक का भार कितना 100 न्यूटन, रिएक्शन भी मिले कितना 100 न्यूटन का, म्यू कितना 0.2, स्टैटिक फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी हो जाएगी बेटे, एफ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स आर, दैट इज इक्वल टू 0.2 इंटू आर इज व्हाट 100। सो आंसर इज 20 न्यूटन, द स्टैटिक फ्रिक्शन इज। बेटे ये लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाली हमने, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी आ गई 20 न्यूटन, लेकिन हमसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है द स्टैटिक फ्रिक्शन इज। बेटे स्टैटिक फ्रिक्शन किसी भी इंस्टेंट पे जीरो है, जब तक आप इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन क्या रहेगी, जीरो। ये बेटे कंफ्यूजन होती है इसमें कि ये तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, मतलब हद से हद स्टैटिक फ्रिक्शन अपने को इस वैल्यू तक बढ़ा सकती है। अब ये ब्लॉक पड़ा है, इस पर आपने कोई फोर्स ही नहीं लगाई, जब ये रेस्ट पे पड़ा है इस पर कोई फोर्स ही नहीं लगी, तो इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी, जीरो। अब उसने देखो बेटे चार चॉइसेस दे रखी हैं, ए बी सी डी। ए में 100 न्यूटन, हमें आमतौर पे गलती लगेगी 20 न्यूटन की और हम कहेंगे आंसर इज 20 विच इज रॉन्ग, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एट एनी इंस्टेंट इज जीरो, क्योंकि इट इज सेल्फ एडजस्टिंग। सो आंसर इज डी फॉर डेली, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट बेटे 75th क्वेश्चन। A block of weight 100 newton is placed on a rough inclined plane at 30 degree. The coefficient of friction between the inclined plane and the block is 0.8. The force of
फ्रिक्शन ऑन दी ब्लॉक इज, तो हमने क्या निकालनी बेटे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन दी ब्लॉक। तो इस तरह से हमारे पास प्रॉब्लम है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन और इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल कितना है 30 डिग्री, इस पे 100 न्यूटन का भार पड़ा, ठीक है बेटे, वेट, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा आपको, तो अब आप देखिए हमसे पूछ रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इज, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहा है। अब देखिए बेटा इसके कंपोनेंट्स कर लेंगे वेट के, ये कितना है, ये 30, तो ये हो जाएगा 100 अब हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा क्या ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा या ये ब्लॉक मोशन में आ जाएगा। अगर तो ये डाउनवर्ड फोर्स 100 साइन 30 इसकी लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा है देन द ब्लॉक विल बी मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और यदि ये कम है देन द ब्लॉक विल नॉट बी मूविंग, देन द ब्लॉक विल बी स्टेशनरी। सो बेटे देखो आप ऐसा करो, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकाल लो, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू एम जी कॉस 30, तो म्यू कितना है बेटे 0.8, एम जी कितना दे रखा है 100 कॉस 30 √3/2, सो दिस विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटे 80/40√3। सो दिस इज 40√3, लेकिन अगर आप इसको देखें जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है, नेट डाउनवर्ड फोर्स फोर्स दैट इज इक्वल टू 100 इंटू साइन 30 इज हाफ, सो दिस इज इक्वल टू 50 न्यूटन। सो बेटा 50 न्यूटन की डाउनवर्ड फोर्स है। अच्छा लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपने देख ली, ये अप्रोक्सीमेटली √3 होता है, 1.732 इंटू 40 करोगे तो ये लगभग इट विल बी ग्रेटर देन 50, 68 के लगभग आएगा, बट इट विल बी ग्रेटर देन 50, तो 50 से बड़ा है ये। इसका मतलब क्या है कि लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अभी ज्यादा चाहिए, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही होगा, रेस्ट पे होगा तो जितनी फोर्स इस पे डाउनवर्ड लग रही है उतनी ही फोर्स फ्रिक्शन की अपवर्ड लगेगी, तो फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू 50 न्यूटन ओनली। सो आंसर इज 50 न्यूटन, सो आंसर देख लीजिए बेटा, चेक कर लीजिए, आंसर इज 50 न्यूटन, आंसर विल बी, दिस इज 75th क्वेश्चन, आंसर विल बी बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 76th क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था 75th, नेक्स्ट 76th क्वेश्चन देखिए, ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज प्लेस्ड ऑन ए रफ प्लेन इंक्लाइंड एट 37 डिग्री, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.1, जी इज दिस मच, और ये बेटे एंगल्स की वैल्यू दे रखी है आपको, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इज, तो अब हमारा पास एक 10 किलो का ब्लॉक है, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन इज 37 डिग्री, और यहां पे पड़ा बेटे इसमें भी आपको एम जी साइन थीटा और फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को कंपेयर करना पड़ेगा। यदि लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाती है एम जी साइन थीटा से, तो इसका मतलब है कि दी फोर्स हैज एक्सीडेड एंड नाउ दी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ओनली। लेकिन अगर एम जी साइन थीटा कम है किससे, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, तो एम जी साइन थीटा जितनी ही स्टैटिक फ्रिक्शन एडजस्ट कर जाएगी। तो अब देखिए बेटे आप ये देखिए, ये 100 न्यूटन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इधर कितना, ये एंगल 37 डिग्री का, नॉर्मल रिएक्शन आर, नाउ फ्रिक्शन लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 0.1 इंटू
100 into cos 37. सो बेटे cos 37 की वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है 0.8, तो 0.1 Now, what is mg sin theta? ये कितना हो गया बेटे? 100 sin 37. Sin 37 is given to you as 0.6. इसका मतलब है जो फ्रिक्शन की फोर्स है उसको डोमिनेट कर गया mg sin थीटा, यानी ब्लॉक नीचे चलेगा तो ब्लॉक पे कंटिन्यूअसली कितनी फोर्स लगेगी? 8 न्यूटन की फ्रिक्शन फोर्स लगेगी. सो आंसर क्या हो गया बेटे? 8 न्यूटन. आंसर इज सी पार्ट. रोटी खा लेंगे. 77th क्वेश्चन. व्हेन ए बॉडी स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन विद द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज म्यू, देन इट्स एक्सेलरेशन इज गिवन बाय. सो बेटे देखो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है और एक बॉडी स्लाइड कर रही है डाउन ए प्लेन. सो एंगल इज थीटा ऑफ द प्लेन. देन इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन बेटे देखो, तो जी नीचे एक्ट कर रहा है. इधर जो कंपोनेंट आ जाएगा वो जी कॉस थीटा हो जाएगा बेटे, और इधर हो जाएगा जी साइन थीटा. फोर्स की टर्म्स में देखें, वी हैव रिजॉल्व द वेट. तो रिएक्शन आर हो गया बेटे, और फ्रिक्शन फोर्स ऐसे एक्ट करेगी. फ्रिक्शन फोर्स एफ आर विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स एम जी इंटू कॉस थीटा. फ्रिक्शन फोर्स एफ आर इज टू म्यू टाइम्स एम जी इंटू कॉस थीटा. नेट, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में. नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन कितनी होगी बेटे डाउन द प्लेन? जी टाइम्स साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा. सो देखिए बेटा, आंसर क्या बनता है? जी टाइम्स साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा. तो पहला ही आंसर है, आंसर बिकम्स ए पार्ट. नेक्स्ट बेटे 78th क्वेश्चन. ये ब्लॉक ऑन ब्लॉक क्वेश्चन है 78th, काफी अच्छा क्वेश्चन. इसमें बेटे फिगर आपको जो दी हुई है मैं बना रहा हूं. ये ब्लॉक ए और इसके ऊपर ब्लॉक बी. टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ मासेस 6 केजी एंड 3 केजी रेस्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन. मतलब ये जो बॉटम वाला सरफेस है दिस इज स्मूथ. और फिर क्या कह रहा है? इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है यदि वो कितना है? 0.4 है. तो कहता द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स विच कैन मेक देम मूव विदाउट सेपरेशन. तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या लगाई जाए जो कि इन दोनों को इकट्ठे चला दे विदाउट सेपरेशन. सो बेटे देखो, इसमें सबसे पहले सेफ एक्सेलरेशन निकाल लो. सेफ एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? आप इसको धक्का दे रहे हो तो यहाँ पे फ्रिक्शनल इफेक्ट पैदा हो रहा है. आप ये जानते हो कि यदि इसकी स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स इस पे लग गई, देन व्हाट विल हैपन? इट विल मूव सेपरेटली फ्रॉम ए. लेकिन इकट्ठा चलने के लिए इस पे फोर्स कितनी होनी चाहिए? इस पे फोर्स इक्वल होनी चाहिए टू द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इसके ऊपर फोर्स कितनी होनी चाहिए? इक्वल टू द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अब आप देखिए बेटे, आपको फ्रिक्शन कोफिशियंट कितना दे रखा है? 0.4. तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी होगी ऑन बी? लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू म्यू इंटू मास ऑफ बी इंटू जी. अब बेटे मास ऑफ बी कितना दे रखा है? ये 6 किलो का है, ये 3 किलो का है.
तो म्यू 0.4 इंटू बेटे मास ऑफ बी इज 3 इंटू क्या जी बेटे जी इंटू जी इज 10, ये कितना हो गया 12। ये लिमिटिंग फोर्स हो गई बी पर, इतनी फोर्स लगेगी तो ये कट्ठे चल देंगे। तो अब देखिए बेटे, अब आप ये यहां से सेफ एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। तो बेटे ये फोर्स किसके बराबर होगी, 3 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितनी आ गई 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस बिकम्स सेफ एक्सेलरेशन। अब बेटे ये फोर्स आप एफ निकालना चाहते हो, तो यानी कि पूरे सिस्टम के पास ये एक्सेलरेशन होनी चाहिए, तब वो सेफली चल जाएगा। तो अब आप निकालना चाहते हो ये वाली फोर्स एफ, तो हम उसके लिए ए का एनालिसिस कर लेते हैं। ए पे बेटे एफ फोर्स ऐसे है और इसको फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगी, अब्स्ट्रक्ट करेगी। वो फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी बेटे 0.4 इंटू 3 इंटू 10, ठीक है। और ये किस एक्सेलरेशन से चलना चाहिए, इट शुड मूव विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस पर इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लो बेटे, एफ माइनस 12 इज इक्वल टू कितना 6 इंटू 4। तो एफ कितना आ गया बेटे 24 प्लस 12 दैट इज 36 न्यूटन। सो बेटे मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आप 36 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं, देन बोथ ऑफ देम विल मूव विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अगर इसकी एक्सेलरेशन कहीं 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा होगी सिस्टम की एक्सेलरेशन, देन दिस विल मूव सेपरेटली विद रिस्पेक्ट टू दिस, बिकॉज इस पे जो फोर्स है इट विल एक्सीड, इस पे फोर्स क्या कर जाएगी, एक्सीड कर जाएगी किसको, इसकी लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। सो आंसर इज 36 न्यूटन। सो आंसर बना क्या पार्ट बेटे, आंसर इज सी पार्ट, आंसर बिकम्स सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 79th क्वेश्चन, भी ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम ही है और इसमें भी करीबन सेम डाटा दे रखा है। ये 6 किलो का है और ऊपर वाला 3 किलो का है बेटे, फोर्स नीचे वाले पे लगा रहे हो आप, आपको क्या कह रहा है, टू ब्लॉक्स ऑफ मास दिस एंड दिस 6 and 3 आर शोन इन द डायग्राम, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन M1 एंड M2 इज 0.5। तो M1 और M2 के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है बेटे 0.5, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन M1 एंड सरफेस, इनके सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.4। अब क्या कह रहा है, The maximum horizontal force that can be applied on M1 so that they move without separation is। तो बेटे ये फोर्स कितनी मैक्सिमम लगा सकते हो कि दोनों के दोनों बिना सेपरेशन के इकट्ठे चलें, वी वांट टू फाइंड आउट दिस। तो इसको देखिए बेटे, इसमें सेम अप्रोच, ये ऊपर वाला ना बिछड़े इसके साथ तो क्या चाहिए, इसके पास लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स इस पे नहीं लगनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले सेफ एक्सेलरेशन निकाल लेंगे सिस्टम की। तो बेटा देखो 3 इंटू ए इज इक्वल टू 0.5 इंटू 3 इंटू जी। नाउ देखिए बेटे 3 से 3 कैंसिल, सो यानी कि एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सेफ एक्सेलरेशन है। यदि आपने 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा स्पीड से, ज्यादा एक्सेलरेशन से यदि दोनों मास चलने लग पड़े, देन व्हाट विल हैपन, दे बोथ विल मूव सेपरेटली। तो अब आपने ये फोर्स निकालनी है, मैक्सिमम फोर्स क्या लगा सकते हो, तो आपको ये पता चल गया कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ज्यादा एक्सेलरेशन नहीं हो सकती इसकी, अगर हो गई तो इसकी लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ओवरकम हो जाएगी एंड दिस विल मूव सेपरेटली। तो अब इसको निकालने के लिए बेटे क्या करोगे, इसका एनालिसिस करोगे। अब देखो इसको 6 किलो पे एक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लग रही है क्योंकि एक सरफेस यहाँ पे है, वो कितनी हो जाएगी म्यू इंटू म्यू कितना दे रखा है सरफेस का नीचे का 0.4 इंटू 9 इंटू जी, और ऊपर वाले पे कितना है बेटे 0.5, और इसको एक्सेलरेशन कितनी मिल रही है, हमने क्या निकालना है एफ, वी वांट टू फाइंड आउट एफ। सो बेटा देखो एफ यहां कर रहा हूं सॉल्व, एफ माइनस ये दो फोर्सेस
ये कितनी हो जाएगी, 0.4 इंटू 9, 3.6 इंटू 10, 36. सो एफ माइनस 36 माइनस ये कितना है बेटे, 5 3 15, 1.5 इंटू 10 15. दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 5, दैट इज 30. तो ये कितना हो जाएगा बेटे, एफ माइनस 51 तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम फोर्स जो आप निचले ब्लॉक पे लगा सकते हो, दैट मैक्सिमम फोर्स इज 81 न्यूटन. यदि इससे ज्यादा हो जाती है फोर्स, देन बोथ ऑफ देम विल मूव सेपरेटली, बिकॉज इन दैट केस 3 न्यूटन, 3 किलो वाले मास पे जो उसकी लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो एक्सीड कर जाएगी. ठीक है बेटे, नाउ नेक्स्ट 80th क्वेश्चन. ये ब्लॉक बी है बेटे 4 किलो का, ये ब्लॉक ए है बेटे ये 6 किलो का, और यहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू. तो कहता है द टेंशन टी फॉर द ब्लॉक कैन बी रिटन एस, सो ये टेंशन टी डेवलप हो जाएगी धागे में, यहाँ पे टेंशन टी ऐसे. तो बेटे देखो, टी माइनस म्यू इंटू 6 इंटू जी इज इक्वल टू, अगर ये 6 की एक्सेलरेशन चल रहा है, ए की एक्सेलरेशन चल रहा है, तो दैट इज इक्वल टू 6 इंटू ए. सो आंसर विल बी टी माइनस 6 म्यू जी इज इक्वल टू 6 ए. तो ये आंसर कहाँ बन रहा है बेटे, आंसर इज डी फॉर दिल्ली. नेक्स्ट बेटे 81st क्वेश्चन. A monkey is descending from the branch of a tree with constant acceleration. If the braking strength is 75% of the weight of the monkey, the minimum acceleration with which the monkey can slide down without breaking the branch is. एक बंदर एक झाड़ी पे उतर रहा है बेटे, और झाड़ी पे जो मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है झाड़ी की, दैट इज 75% ऑफ द वेट ऑफ द मंकी. नाउ वी विश टू फाइंड आउट कि किस मिनिमम एक्सेलरेशन से वो उतरे कि झाड़ी ना टूटे. तो देखो बेटे, मंकी ये रही झाड़ी और यहां रहा मंकी, द मंकी इज मूविंग डाउन. ये बंदर नीचे उतर रहा है, इसका भार कितना है mg. अब बेटे इसका भार mg है, और क्योंकि इस पे लटका हुआ है झाड़ी पे, तो झाड़ी में टेंशन डेवलप होगी, और इसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, नेट फोर्स डाउनवर्ड बिकॉज ही इज स्लाइडिंग डाउन. तो मैक्सिमम से मैक्सिमम झाड़ी कितना बर्दाश्त कर सकती है, 75% उसके भार का, यानी कि 75% ऑफ हिज वेट. तो 75% बिकम्स 3/4 mg. नाउ बेटे नेट फोर्स उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो सेफ एक्सेलरेशन निकलेगी. अगर इतनी टेंशन होगी तो सेफ एक्सेलरेशन निकल जाएगी मंकी की. तो बेटे देखो, mg माइनस 3/4 mg इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. मास थ्रू आउट कट जाएगा बेटे, तो ये आ जाएगा जी माइनस 3/4 g. ये आ गया एक्सेलरेशन, आ गई बेटे g/4. यानी कि मंकी महाराज अगर g/4 m/s² की एक्सेलरेशन से नीचे उतरेंगे तो झाड़ी नहीं टूटेगी. यदि इससे ज्यादा कर दी उन्होंने एक्सेलरेशन, झाड़ी डेफिनेटली टूट जाएगी. सो आंसर इज सी पार्ट.
आंसर क्या बना बेटे, सी पार्ट, जी बाय फोर हमारे पास है। नेक्स्ट 82nd क्वेश्चन, ए ब्लॉक हैज बीन प्लेस्ड ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन विद द स्लोप एंगल थीटा, ब्लॉक स्लाइड्स डाउन द प्लेन एट कॉन्स्टेंट स्पीड, द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इज। बेटे ऐसा है कि भाई एक ब्लॉक को हमने रखा है एक इंक्लाइंड प्लेन पे और ये इंक्लाइंड प्लेन थीटा एंगल बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है, तो वो कहता है कि कॉन्स्टेंट स्पीड से नीचे आ रहा है, तो यदि कॉन्स्टेंट स्पीड से नीचे आ रहा है तो वी वॉन्ट टू फाइंड आउट व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन। देखिए बेटा वेट एम जी एक्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसके एम जी के दो कंपोनेंट बना लो, अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है नीचे, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आने का मतलब क्या है, नेट फोर्स इस पे जीरो, दो नेट फोर्स जीरो कैसे हो जाएगी, ये तो एम जी साइन थीटा तो यूं एक्ट कर रही है, फ्रिक्शन इसको अपोज करेगी क्योंकि रगड़ खाएगा यहाँ पे, तो फ्रिक्शन आएगी, तो जो फ्रिक्शन है वो इसके बैलेंस हो जाएगी तभी ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल सकता है, नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। तो बेटे एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू टाइम्स That means mu is equal to tan theta. So answer क्या बनता है बेटे, mu equal to tan theta. Answer is D for Delhi. Next बेटे 83rd question. A block of mass 2 kg is placed on the floor. The coefficient of static friction is 0.4. If a force of 2.8 newton is applied on the block parallel to the floor, the force of friction between the block and the floor is, g को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। सो देखो बेटे एक 2 किलो का भार धरती पर यू और स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है 0.4, फोर्स कितनी लगा दी 0.4, और आपको क्या पता करना है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर इज, तो हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पता करनी है बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर। सो देखिए बेटे लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पहले निकाल लेते हैं, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी हो जाएगी म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, भार कितना है 2g, तो नॉर्मल रिएक्शन आर के बराबर हो गया 2g के बराबर, तो 0.4 यानी कि 8 न्यूटन की लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गई, लेकिन 2.8 न्यूटन जो है वो फोर्स आप लगा रहे हो तो फ्रिक्शन क्या है 2.8 को एडजस्ट कर जाएगी ना, क्योंकि 8 न्यूटन तक तो फ्रिक्शन एडजस्ट कर सकती है स्टैटिक फ्रिक्शन, सो आंसर विल बी 2.8 न्यूटन ओनली, आंसर इज ए पार्ट, आंसर बिकम्स ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 84th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg कोलाइड्स विद ए वॉल विद ए स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड एंड रिबाउंड विद सेम स्पीड, इफ द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट वॉज 1/50 second द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द वॉल इज। सो बेटे ये क्वेश्चन है इम्पल्स का, ये क्वेश्चन है इम्पल्स का, कैसे 2 kg का मास गया दीवार पे जाके टकराया, दीवार से रिबाउंड करके सेम स्पीड से आ गया, ठीक है कॉन्टैक्ट टाइम दे रखा है दीवार के साथ कितनी देर के लिए कॉन्टैक्ट बनाता है 1/50 second के लिए। सो बेटे देखो एफ टी 2 times मास इंटू वेलोसिटी, सो एफ इंटू 1/50 इज इक्वल टू 2 times मास, मास कितना है बेटे, मास कितना दे रखा आपको 2 kg इंटू वेलोसिटी कितनी दे रखी है 100,
सो ये हो जाएगा बेटे कितना, एफ विल बी इक्वल टू 50 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 100। तो ये हो गया 4, ये बन जाएगा आंसर क्या बन जाएगा बेटे, 2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन। सो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 85th क्वेश्चन, ए मास ऑफ एम ऑफ 100 केजी इज सस्पेंडेड विद द यूज ऑफ स्ट्रिंग्स ए बी सी। ना बेटे देखो स्ट्रिंग्स ए बी सी हैं हमारे पास, यहाँ पे टेंशन कितनी है टी, यहाँ पे टेंशन कितनी है टी डैश। तो वो हमको क्या कह रहा है, व्हाट ही वांट्स टू से, तो वेयर डब्ल्यू इज वर्टिकल वॉल, ये डब्ल्यू बेटे वर्टिकल वॉल है, एंड आर इज ए रिजिड हॉरिजॉन्टल रॉड, ये रॉड है बेटे। The tension in the string B is, यहाँ ये वाली टेंशन ढूंढनी है आपने, ये आपको पता है बेटे अच्छे से कि ये 100 किलोग्राम है, 100 किलोग्राम का मतलब क्या है, 1000 न्यूटन की फोर्स लगेगी taking G as 10, 1000 न्यूटन की फोर्स लगेगी। अब हमने T डैश निकालना है, we want to find out tension in string B, we want to find out T डैश। तो T डैश निकालने के लिए बेटे ये सिस्टम, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्सेज का सम कितना हो रहा है इस पे, जीरो। तो आप ऐसा करो, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो, तो ये एंगल 45 है, ये भी कितना हो जाएगा 45, तो इस टी के दो कंपोनेंट्स कर दो, कितना टी कॉस 45 और इधर कितना आ जाएगा बेटे टी साइन 45। इस टेंशन के हमने दो कंपोनेंट्स कर दिए। अब आप देखिए बेटे टी कॉस 45, क्योंकि ये पॉइंट इक्विलिब्रियम है, तो वर्टिकल फोर्स विल बी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो टी साइन 45 वर्टिकल फोर्स इज बैलेंस्ड। तो इसका मतलब टी कितना आ गया बेटे 1000 अंडर रूट 2, और हमसे पूछा है उसने टी डैश, तो बेटे टी डैश इज इक्वल टू टी इंटू कॉस 45। तो टी की वैल्यू कितनी है 1000 रूट 2 कॉस 45 1 बाय रूट 2, यानी कि टी डैश कितना आ गया 1000 न्यूटन्स। यहां पे आंसर दे रखा है 100 जी न्यूटन, सो आंसर बिकम्स ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 86th क्वेश्चन, बेटे 86th क्वेश्चन को करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको स्प्रिंग्स का ओवरव्यू दूंगा, आई विल बी गिविंग यू ए स्मॉल ओवरव्यू ऑन स्प्रिंग्स। तो बेटे हमें स्प्रिंग्स का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इट इज ए क्वेश्चन ऑन स्प्रिंग्स। तो व्हाट आर स्प्रिंग्स बेटे, आप सभी बैठे हैं, आपके पास पेन होंगे, तो अपने पेन खोलिए, अगर किसी के पास पुश बटन वाला पेन है तो उस पेन के अंदर एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग होता है वो, दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए स्प्रिंग दैट यू कैन इमेजिन। अब बेटे वो कैसे बनता है स्प्रिंग, तार रोल करके, तो उसकी जो कर्व बनता है ना स्प्रिंग की जो तार है उसका जो कर्व बनता है दैट इज कॉल्ड ए हेलिक्स, उसको क्या कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज ए हेलिक्स। और ये हेलिक्स जो बेटे ये हेलिक्स है ये क्या है, वट इज दिस, दिस इज ए मैथमेटिकल कर्व। हेलिक्स क्या होता है, हेलिक्स इज सिंपली ए मैथमेटिकल कर्व। नाउ हेलिक्स की एक बड़ी आसान सी डेफिनेशन बताता हूं मैं आपको। देखिए बेटे एक खूंटा लगा दीजिए, खूंटा समझते हैं,
खूंटा होता है जमीन में, एक आपने लोहे का पीस गाड़ दिया, दैट इज ए खूंटा, ठीक है। उस खूंटे के साथ एक रस्सी से एक भैंस को बांध दीजिए, ये भैंस भैंस बांध दी बेटे। अब इसके बाद क्या करिए, इस भैंस को कहिए चलिए, ये भैंस चलती चलती इस तरह से क्या होगा बेटे, पहुंच जाएगी कहां पे, क्यों, जब भैंस चलेगी तो ये रस्सी क्या होगी, इस खूंटे पे लिपटती जाएगी और भैंस गोल घूमती जा रही है, घूमते 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 इस तरह का पाथ करते करते ये खूंटे पर जाके कोइंसाइड कर जाएगी। जो पाथ भैंस ने चला वो पाथ जो कर्व बना रहा है, दैट इज कॉल्ड ए हेलिक्स। इस तरह की अगर मैं एक रस्सी लेके या तार लेके इस तरह का पाथ बना दूं और बीच से इसको खींच दूं तो वो आपके पेन वाला स्प्रिंग ही बन गया, दैट इज द सेम स्प्रिंग दैट यू हैव इन योर पेन। सो ये स्प्रिंग होता है। अब स्प्रिंग की टेंडेंसी क्या होती है, व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ ए स्प्रिंग बेटे, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। आपने क्या किया, एक आपने मारुति के शॉक ऑब्जर्वर देखे होंगे, फ्रंट साइड पे मारुति के जो शॉक ऑब्जर्वर होते हैं उसमें स्प्रिंग जो होता है वो मोटी तार का बना होता है और जो आपके पेन का स्प्रिंग है वो एक बहुत पतली तार का बना हुआ है। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए देता हूं, आप एक मारुति कार का स्प्रिंग ले लो, ये बड़ा सारा, और दूसरा आप ये वाला स्प्रिंग ले लो जो आपके पेन में है, दोनों को खींचने की कोशिश करो या दबाने की कोशिश करो, आप इसको तो आप हिला भी नहीं पाएंगे और इसको हो सकता है आप इसको अगर खींचने लगे तो इसकी तार बना के मुझे दे देंगे। तो क्या फर्क है दोनों में, अब साइंटिफिकली स्पीकिंग फिजिक्स की टर्म्स में स्पीक करें तो क्या है, स्टिफनेस का फर्क है। व्हाट इज स्टिफनेस फैक्टर, तो स्प्रिंग का एक चीज होती है, स्प्रिंग में हमेशा वी डिफाइन ए पर्टिकुलर फैक्टर विच इज कॉल्ड एज स्टिफनेस फैक्टर। नाउ व्हाट इज दिस स्टिफनेस फैक्टर, ये स्टिफनेस फैक्टर क्या चीज होती है बेटे, कोई आदमी बड़ी आसानी से काबू आ जाता है, कोई आदमी स्टिफ होता है वो आसानी से काबू नहीं आता हमारे, ठीक है। ऐसे ये स्प्रिंग काबू नहीं आने वाला है, ये स्प्रिंग जल्दी से काबू आ जाता है। अब क्यों, इसका स्टिफनेस फैक्टर कम है, इसका स्टिफनेस फैक्टर बहुत ज्यादा है। तो स्टिफनेस फैक्टर को डिफाइन कैसे किया गया है, देखिए बेटे, अगर कोई भी स्प्रिंग आप लेके उसको खींचते हो या दबाते हो, अगर आपने खींचा और उसको छोड़ दिया तो व्हाट हैपेंस, स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेता है, वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, वापस अपनी ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेता है। तो उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाती है, जितना ज्यादा खींचोगे स्प्रिंग को, जितना ज्यादा उसकी एक्सटेंशन करोगे उतनी ही ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स उसमें डेवलप होगी। तो स्प्रिंग में जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एक्स इन द स्प्रिंग, और ये प्रोपोर्शनैलिटी जब हटाते हो तो वी से रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स। ये के क्या है, ये के ही स्टिफनेस फैक्टर है, ये के ही स्टिफनेस फैक्टर है, ये के बेटे किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स बटा एक्स, एक्स इज व्हाट, इलोंगेशन। तो इसका मतलब है स्टिफनेस फैक्टर क्या होगी, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट इलांगेशन। तो स्टिफनेस फैक्टर क्या हुआ, स्टिफनेस फैक्टर को हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। तो स्प्रिंग फैक्टर या स्टिफनेस फैक्टर दिस वी कॉल एज, इसे क्या कहते हैं बेटे, दिस वी कॉल एज स्प्रिंग कांस्टेंट और स्टिफनेस फैक्टर। Now, the more the restoring force per unit length, the more is the stiffness factor. बेटा देखो, जो ये आपका मारुति कार का स्प्रिंग है, इसका स्टिफनेस फैक्टर बहुत ज्यादा है, यानी इसको अगर इलांगेट करना है पर यूनिट इलांगेशन पे जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी इसके अंदर वो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन जो आपके ये पेन का स्प्रिंग है इसमें रिस्टोरिंग फोर्स
per unit length is very, very small. So the stiffness factor is small. Now, stiffness factor is inversely proportional to length. Beta, stiffness factor jo hota hai na, that is inversely proportional to length of the spring. Yani agar ek spring diya maine aapko, usko aap, ye length kya hai? Ye natural length hai. Natural length kya hoti hai? Jab aapne force nahi lagai, to jo length spring ki hoti hai, us samay pe, that is called as natural length of the spring. Theek hai? To bete dekho, K is inversely proportional to natural length. यदि आपने एक स्प्रिंग था मैंने दिया आपको, उस स्प्रिंग को आपने काट दिया, दो हिस्से कर दिए उसके, तो क्या हो गया? दो इक्वल हिस्से कर दिए, तो एक की लेंथ क्या हो गई? हाफ. एक की लेंथ एल बाय टू हो गई. तो नया स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा? दुगना पुराने वाले स्प्रिंग कांस्टेंट के. इट विल बिकम ट्वाइस. सो द हाफ स्प्रिंग विल बी हैविंग ए स्टिफनेस फैक्टर विच इज ट्वाइस द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ऑफ दी अर्लियर स्प्रिंग. अगर हमने एक स्प्रिंग के तीन इक्वल टुकड़े कर दिए तो क्या हो जाएगा? किसी भी एक टुकड़े का स्टिफनेस फैक्टर कितना हो जाएगा बेटे? दैट विल बी इक्वल टू थ्री टाइम्स द स्टिफनेस फैक्टर ऑफ द ओरिजिनल स्प्रिंग. तो स्प्रिंग का स्प्रिंग कॉन्स्टेंट बढ़ जाता है यदि स्प्रिंग की लेंथ कम होती है. लेकिन स्प्रिंग कॉन्स्टेंट एक और फैक्टर पर भी डिपेंडेंट है, वो है कितनी मोटी तार है. इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन the radius of the wire, and it is the spring constant K is directly proportional to radius ki power 4. The more is the radius of the wire, the more is the spring constant. Matlab jis tar se aap spring banate ho uski motai, the more is the radius of that particular wire, the more is the spring constant. Anyhow, springs can be हेलिकल और इट कैन बी दे कैन बी लीफ स्प्रिंग्स. लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ हेलिकल स्प्रिंग्स ही स्टडी में है. और स्प्रिंग्स को कंबाइन भी कर सकते हो. स्प्रिंग्स कैन बी कंबाइंड. तो स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन कैसे कैसे हो सकते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, नाउ देयर कैन बी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स. तो स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन कैसे कैसे हो सकते हैं? एक तो होता है बेटे पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन. अगर आपके पास इस तरह से कोई मास है और दो स्प्रिंग है जिनके स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग हैं, K1 और K2, यदि ये दोनों स्प्रिंग्स हमने मास के साथ इस तरह से कनेक्ट कर रखे हैं, तो स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड. स्प्रिंग कैसे कनेक्टेड है बेटे? एंड टू एंड कनेक्टेड है. तो क्या होगा? इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड, बेटे आप मास को यहां पे खींचते हो, ऐसे फोर्स लगाते हो. सपोजिंग आप मास को ऐसे खींचते हो, यहां पे फोर्स ऐसे लगाते हो, तो व्हाट विल हैपन? द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, द स्प्रिंग्स विल बी एक्सटेंडिंग डिफरेंटली. ये स्प्रिंग मान लो X2 खींचता है, तो ये वाला स्प्रिंग कितना खींचेगा? X1 खींचेगा. दोनों स्प्रिंग अलग अलग खींचेंगे, लेकिन सीरीज में रिस्टोरिंग फोर्स रिमेन्स सेम. सो सीरीज में रिस्टोरिंग फोर्स बेटे, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स यदि F आएगी तो इसमें भी रिस्टोरिंग फोर्स F आएगी. रिस्टोरिंग फोर्स विल बी अपोजिट टू दी अप्लाइड फोर्स. तो F1 पहले स्प्रिंग में जो रिस्टोरिंग फोर्स है, दूसरे स्प्रिंग में जो रिस्टोरिंग फोर्स है, दैट इज इक्वल टू F ओनली. अब एक्सटेंशन अलग अलग है, तो अगर हम इन दोनों की जगह पे एक ही स्प्रिंग लगाना चाहते हैं, सपोज हम इन दोनों की जगह पे एक ही स्प्रिंग लगाना चाहते हैं, तो उसमें इतनी ही एक्सटेंशन होनी चाहिए उसमें जुड़ के वही एक्सटेंशन होनी चाहिए जो इन कल्ले कल्ले में है. तो यानी कि उस स्प्रिंग में इन दोनों की जगह पे जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग लगाओगे उसमें एक्सटेंशन x शुड बी इक्वल टू X1 + X2. तो बेटे F इज इक्वल टू kx. तो आप देखिए x कैन बी रिटन एज F बाई k इक्विवेलेंट. F by K1 + F by K2. F काट दीजिए बेटा, तो 1 by K equivalent
1 by is equal to 1 by k1 plus 1 by k2. यदि सीरीज में स्प्रिंग्स लगाए हुए हैं तो उसमें इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट किसके बराबर होता है, 1 by k equivalent is equal to 1 by k1 plus 1 by k2. अगर स्प्रिंग्स पैरेलल में हूं, बेटा पैरेलल में कैसे लगाए जाएंगे स्प्रिंग? आपने एफ फोर्स लगाई, दोनों स्प्रिंग कैसे हैं? पैरेलल में अटैच्ड हैं। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन? बेटा देखो, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी वो सेम होगी। ऐसा कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है जब स्प्रिंग एंड टू एंड नहीं कनेक्टेड होते हैं, सच ए कॉम्बिनेशन इज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बेटे एक्सटेंशन विल बी सेम। Tension remains same, but restoring force is different. Restoring force is different. Restoring force is different, but extension is same. अगर आप इन दोनों स्प्रिंग्स की जगह पे एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग लगाना चाहते हैं तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? We want to find that. तो बेटे देखो, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स F1 हुई और इसमें लेट से रिस्टोरिंग फोर्स इज F2, सो नेट फोर्स F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, सो बेटे K इक्विवेलेंट इनटू X यानी इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो गया बेटे? K equivalent is equal to K1 plus K2. So series में, parallel combination में जो equivalent spring constant होता है, that is equal to sum of the individual spring constants. So ये बेटे spring complete हो गए. We will now move on to the next problem.